यहाँ पे गाइस हमारे पास फिर से है रियलमी का एक्स सेवन मैक्स। और गाइस कुछ बंदे ने मेरे को बोला था कि फ़ोन में C13 अपडेट के बाद फ़ोन का जो जायरोस्कोप डिले का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, उसके साथ फ़ोन में जो दिक्कत वगैरह था वो भी सॉल्व हो गया, बैटरी ड्रेन वगैरह कम हो रहा है अभी के टाइम पे। तो गाइस देखेंगे, टेस्ट करके और देखेंगे फ़ोन कितना ज़्यादा हीट वगैरह होता है, क्या सच में गाइस ये अपडेट कुछ वैल्यूएबल है या फिर अपडेट से कुछ फ़ायदा हुआ है हम लोगों को, वो देखेंगे। और फ़ोन अभी के टाइम पर आप लोग को लेना चाहिए फिर नहीं। सो इसके लिए गाइज आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि गाइज पूरा देखोगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा। उसके साथ गाइज आप अगर चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। गाइज आप लोगों को बताया कि चैनल पे आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता है, जिसमें गाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। और गाइज कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8:14 हुआ है और गाइज यहाँ पे 39°C है, 72% चार्ज है फोन में। तो अभी हम PBM खेलेंगे HDR एक्सट्रीम और स्मूथ 90 FPS पे, और देखेंगे चेक करके जायरो डिले अभी है या फिर नहीं, और उसके साथ गाइस वो भी देखेंगे कि FPS वगैरह कितना देता है, और गाइस उसके साथ वो भी देखेंगे कि फ़ोन में चार्ज वगैरह कितना ड्रॉप होता है, हीट कितना होता है, सब कुछ देखने वाले। सो यार लाइक अभी तक नहीं किया लाइक कर दो। तो भी स्मूथ और 90 FPS पे खेलेंगे और देखेंगे क्या हाल होता है। सो ये भी स्मूथ और 90 FPS करने के बाद ही जायरो डिले देखने को मिल रहा है, तो अभी हम लोग खेलेंगे स्मूथ और एक्सट्रीम पर। तो जायरो डिले होने पर यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है खेलने में। You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Kill. Blue team victory. सो गाइज यहाँ पे हमारा मैच हो चुका है खत्म। और गाइज जब मैं मेरा देखे फोन के स्टेटिक्स के बारे में, सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो फोन में भी साइड से स्क्रॉल करते हैं और गाइज देखते हैं। सो यहाँ पे 820 बज चुका है, 41°C और 70% चार्ज है, 2% चार्ज बस खाया है 8 मिनट में। सो गाइज TDM में 8 मिनट में 2% चार्ज ज़्यादा, मतलब 4 मिनट करके 1% चार्ज यहाँ पे खा रहा है। तो गाइज HDR एक्सट्रीम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हम लोग खेले और गाइज यहाँ पे लैग वगैरह कुछ भी देखने को मेरे को नहीं मिला, और मतलब बोले तो हीटिंग भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो गाइज और भी हम TDM खेल के देखेंगे अभी, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा स्किप करेंगे और गाइज बताएंगे ये वीडियो में, मतलब यहाँ पे बताते रहेंगे कि क्या कुछ मेरे को देखने को मिला है, और मतलब रिव्यू वगैरह यहाँ पे देने वाले, मतलब कि आवाज़ वगैरह आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा, तो यार देखते जाओ बस। सो गाइज यहाँ पे अगर बात करें फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस का, सो गाइज परफॉर्मेंस बहुत ही सही दे रहा है। अगर बात करें MediaTek Dimensity 1200 का, सो गाइज एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। और गाइज यहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड स्कोर का बात करें, सो गाइज यहाँ पे 6,40,000 ऐसे स्कोर देखने को मिलता है। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है जिन लोगों के मन पे कि जायरोस्कोप डिले ये फोन में देखने को मिलता है फिर नहीं मिलता है, उन लोगों का कन्फ्यूजन पूरा दूर करने वाला, खुद एक्सपीरियंस करके देखना, मेरा बात सुनने के बाद अगर भरोसा नहीं होता तो। गाइज यहाँ पे अगर बात करें जायरोस्कोप डिले का, सो गाइज जायरोस्कोप डिले देखने को मिलता है कब, जब हम खेलते या पे TDM या फिर कोई भी मैच भी खेले TDM खेले, सो जब भी हम 90 FPS पे खेलते हैं तो गाइस यहाँ पे ज़्यादातर जायरोस्कोप डिले देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे मेरा 8GB 128GB का वेरिएंट है, मुझे पता नहीं कुछ बंदे ने मेरे को बोला था 12GB रैम में नहीं होता, मुझे पता नहीं, मैंने खुद एक्सपीरियंस मतलब यूज़ करके नहीं देखा था, लेकिन गाइस ये फ़ोन में मेरे को देखने को मिल रहा है जायरोस्कोप डिले प्रॉब्लम। सो यार जब भी मैं 90 FPS ऑन कर रहा हूँ तभी और स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ज़्यादा 90 FPS मतलब ज़्यादा जायरोस्कोप प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जब मैं 90 FPS पे मतलब स्विच नहीं कर रहा हूँ, देखा मैंने पिछले मैच में जब एक्सट्रीम पे स्विच किया था तब मेरे को नहीं मिल रहा था। अगर आप लोगों को मेरे बात पे भरोसा नहीं, मैं इसे दिखा तो नहीं सकता यार उसको कैसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, फिर भी यार आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर दूँ, या फिर क्लिप्स आप लोग ध्यान से देखना।
सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी जायरोस्कोप वगैरह मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन नहीं करके रखा है। फिर देखो यहाँ पे जायरोस्कोप इतना सही चल रहा है, मतलब मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा इस फोन के बारे में, बुराई करके कुछ होगा क्या? सो गाइस यहाँ पे देखो मतलब कोई भी मेरे चैनल पर आप लोगों को क्लिक बेट वीडियो देखने को नहीं मिलता। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब ऑन किया, सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा यार अभी उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला क्योंकि गाइस एक्सट्रीम पर करके रखा है। और गाइस देखो अभी देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे जायरोस्कोप देखो थोड़ा सा स्लोली वर्क कर रहा है गाइस, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन गाइस आप लोग अगर गेम को खेलोगे ना थोड़ा लगेगा कि जायरोस्कोप थोड़ा सा स्लो फोन में देखने को मिलेगा। सो गाइस आप अगर खुद खेल के नहीं देखोगे, अगर खुद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं देखोगे तो एक्चुअली यार पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो सोचो आपके पास दो डिवाइस है, एक एम आई का और कोई भी एक मतलब सोचो कि iQOO 7 या फिर ऐसा कोई फ़ोन जिसमें कि गाइस जायरोस्कोप बहुत सही चलते हैं, बहुत फास्ट ही। फिर आईफोन वगैरह आप लोग देख सकते हो, आईफोन के साथ कंपेयर नहीं करते एंड्रॉयड का, मैं आप लोग बोलता हूँ iQOO 7 वगैरह, फिर MI 11X ऐसा कोई फ़ोन आप लोग साइड में ले सकते हो। उसके बाद गाइस iQOO Neo 6 भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन है जिसमें कि जायरोस्कोप सही वर्क कर रहा है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर का फ़ोन। सो गाइस उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये फ़ोन के साथ कंपेयर करके देखना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप लोगों को जायरोस्कोप स्लो देखने को मिलेगा। जब आप 90 FPS पे गेम प्ले करोगे, आप HDR एक्सट्रीम पे करके देखो आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप 90 FPS पे खेलने का कोशिश करोगे आप लोगों को जायरोस्कोप डिले देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। अगर कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हो तो गाइस आप लोगों को दिक्कत आ सकता है, लेकिन गाइस 90 FPS अगर आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो गाइस जायरोस्कोप डिले उतना ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी गाइस मेरे को एक डाउट है कि गाइस यहाँ पे जायरोस्कोप डिले वगैरह यार उसका कंफ्यूजन तो मैंने दूर कर लिया, लेकिन गाइस फिर भी मेरे अंदर डाउट है कि जायरोस्कोप डिले इतना प्राइस का फोन हम परचेस कर रहे हैं, ऐसा कोई फोन में यहाँ पे जायरोस्कोप डिले इतना प्राइस रेंज के फोन में देखने को नहीं मिल रहा, क्यों मिलना चाहिए गाइस? इसको फिक्स करना चाहिए कंपनी को। अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो गाइस यहाँ पे सही नहीं कर सकते, अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो गाइस यहाँ पे सही कर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किसी पर बात करें फोन का बैटरी टेस्ट के बारे में तो गाइस बैटरी उतना ज़्यादा यार कंज्यूम नहीं कर रहा है, मेरे को लगता है एकदम सिंपल है। मेरे भी MI 11X Pro है मेरे पास, उसमें गाइस ऐसा ही इससे भी मतलब ज़्यादा बैटरी कंज्यूम हो जाता है। इसमें तो गाइस 3P Lite लगा है जिसमें गाइस 5 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है, इसमें ज़्यादा अच्छा बैटरी एफिशिएंट होना चाहिए, फिर भी गाइस ये फोन में ज़्यादा अच्छा बैटरी यहाँ पे ड्रेन हो जाता है। सो गाइस बैटरी कैपेसिटी भी ये फोन का ज़्यादा है, फिर भी गाइस ज़्यादा मतलब जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाता है मेरे MI 11X Pro में। सो दोनों में AMOLED डिस्प्ले है तो गाइस यहाँ पे बैटरी का कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें डिस्प्ले का कलर वगैरह का तो गाइस वो भी बहुत ही सही है, और अगर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस का फोन का हीटिंग का तो गाइस यहाँ पे बहुत ही हीटिंग मेंटेन करके रखते हैं ये फोन। सो गाइस अगर बात करें यहाँ पे फोन का हीटिंग का तो गाइस जो लोग बोलते हो ना फोन हीट करता है बहुत ज़्यादा, तुम लोग अगर यार और कोई मेरे से MI 11X Pro MI 11X अगर यूज़ करोगे ना उसके बाद बोलोगे भाई ये X7 Max मेरे लिए मक्खन था। सो गाइस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई भी लैग वगैरह भी देखने को नहीं मिला, रेंडरिंग वगैरह भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला, कोई फ्लैक्चुएट भी नहीं हुआ कुछ वगैरह, पिंक वगैरह मतलब अगर बात करें रियलमी के फोन में तो पिंक का थोड़ा प्रॉब्लम आता है आप लोगों को मैच के अंदर देखने को नहीं मिला था पहले। सो अगर बात करें ओवरऑल रिव्यू का तो फोन काफ़ी ज़्यादा सही है, आप अगर 90 FPS के लिए फोन को ले रहे हो तो गाइस ये भी आपका लोअर लगने वाला है, क्योंकि गाइस ये भी 90 FPS में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दो तो गाइस आप लोग को जायरोस्कोप डिले देखने को नहीं मतलब मिलेगा। सर आप लोग एक बार खुद ट्राई करके देखना, उसके बाद गाइस मेरे यार ओपिनियन जज करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग खुद एक बार ट्राई करो। मैं बस ओपिनियन दे सकता हूँ, आपको सजेस्ट कर सकते, लेकिन आपका जो मतलब आपका अगर मन मैं बदल नहीं सकता, आप खुद जो चाहते हो वही होगा। तो यार मेरा बस रिव्यू देना था मैंने बताया, आप लोगों को अच्छा लगा रिव्यू तो गाइस लाइक जरूर कर देना, अगर मेरे साथ सहमत हो अगर जायरोस्कोप स्लो है ज़्यादा तो गाइस यार थोड़ा सा भी स्लो है तो आप लोग मुझे बस कमेंट में बताओ। जो लोग यार परचेस करना चाहते फिर जिन लोगों के पास है उन लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप लोग अगर किसी को भी जायरोस्कोप में कोई भी प्रॉब्लम आया Realme X7 Max में मुझे बस एक्सप्लेन करना, आप लोग कमेंट में फोन को लेकर जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के पास है वो मैंने दूर कर दिया, और गाइस मैंने बताया भी कि फोन को आप लोगों को लेना चाहिए फिर नहीं, तो गाइस आप लोग अपना ओपिनियन बस कमेंट पर मुझे बताओ। और गाइस यार मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश होता हूं आप लोग अगर कमेंट वगैरह करते हो, और कोई भी अगर नेक्स्ट टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए इस फोन के बारे में और भी अगर कुछ कंफ्यूजन है वो भी आप लोग यार कमेंट पर बता सकते हो। आपका भाई डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएगा, बस एक कमेंट करने का कमी है, और गाइस कमेंट पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सपोर्ट करना अपना भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू हो तो गाइस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। मुझे पता है मेरे भाई आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। सो गाइस चलो आज का वीडियो को इधर खत्म कर देते हैं, और मिलते हैं ज़्यादा कोई बड़े से कॉन्टेंट के साथ, धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करते रहेंगे वीडियो में, तो गाइस क्वालिटी कैसा लगता है आप लोग वो भी कमेंट पर जरूर बताना। चलो मिलते हैं ज़्यादा कोई बड़े से वीडियो में। सो यार टाटा बाय बाय, सब लोग बहुत अच्छे से ना गेम खेलो गाइस, खेलते जाओ, पता नहीं बैन हो गए फिर नहीं। गाइस आप लोगों को क्या लगता है वो भी ओपिनियन में बताना कि गेम बैन होने वाला है फिर नहीं, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय।